हो गया टाइम। आप सभी को नमस्कार। परिचय आपको मिल चुका है, आप देख चुके हैं कि आज हम संस्कृत कक्षा सातवीं पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सत्संगति। क्रमांक यदि कहें तो त्रयोदशा पाठ है। तो बच्चों, आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है इस पाठ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। पाठ का नाम जिस प्रकार से है सत्संगति, मेरे ख्याल से इसमें हर किसी को रुचि होनी चाहिए कि ये क्या है, मतलब किस तरह से होता है सत्संगति, का आशय क्या निकलता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पाठ पढ़ाने के साथ साथ वास्तव में सत्संगति हम किसे कहते हैं वो आप समझ सकें। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूं, कक्षा सातवीं विषय संस्कृत, त्रयोदश पाठ सत्संगति। बच्चों, आप सभी ने कहानी कभी न कभी सुनी होगी, कौन से, कि दो तोता जो जुड़वे थे, कहना चाहिए, या एक साथ रहते थे, वो अचानक कहीं पर उड़े और दो अलग अलग दिशा में चले गए। हुआ यूं कि एक तोता जो है आश्रम में चला गया जहां पर सन्यासी जन रहते थे और पूजा पाठ धर्म कर्म लगातार किया करते थे, और दूसरा तोता जो था वो डाकुओं के खेमे की तरफ उड़ता हुआ चला गया। जाहिर सी बात है कि जो ऋषि मुनियों के संगत में गया, आश्रम में गया, वो ऋषि मुनियों को लगातार देखता रहा, और जैसा वो खाते पीते, जिस प्रकार पहनते, जिस तरह बात करते, उनको तोता देखता था, और जिस तरह से ये ऋषि मुनि बात करते थे वैसे ही बड़ी सज्जनतापूर्वक बात वह तोता भी अपने मुख से निकालता था, मतलब बड़ी शालीन भाषा या शालीन शब्दों का इस्तेमाल वह तोता करता था। ठीक है, तोता बोलते हैं मालूम है ना आप लोगों को, जैसा बात करोगे उस तरह से वो सीख जाते हैं, कुछ बोलने वाले ही होते हैं और कुछ नहीं बोलते, ऐसा भी है। दूसरा तोता जो है डाकुओं के खेमे में जो चला गया था, चूँकि वो डाकू थे, शाम को जब वापस आते थे तरह तरह की चीज़ों को अपने अपने थैले से निकालते थे, दिखाते थे कि मुझे हार मिला, मुझे कंगन मिला, मुझे चूड़ियाँ मिली, मुझे ये मिला, मैंने इतने पैसे लूटे, मैंने अमुक को मारा, ठीक है, तो धरो पकड़ो मारो, इस प्रकार की बातें होती थी। तोता दिन भर सुनता था कि ये छीना वो किया, इसको मारा उसको पीटा, तो उस तोते के जबान पर लगातार यही रहा कि मारो पीटो धरो पकड़ो आदि। इस कहानी को बच्चों को लगातार सुनाया जाता है और बचपन में ही सुनाने वाली कहानी है, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि संगति जो है, एक तोता जो डाकुओं के साथ यानी संगति में रहा, उसके आचरण पर भी वही प्रभाव पड़ा, और एक तोता जो साधुओं सज्जनों के साथ में रहा, उसके आचरण पर सज्जनों का प्रभाव पड़ा। यही जो कहानी है कुल मिलाकर के आपके इस पाठ में आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, भाव वही है, बात हम वही कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, केवल कहानी नहीं बता रहे हैं, मैंने कहानी का आपको स्वरूप बता दिया है, और कहानी के स्वरूप के साथ साथ आपको अब पाठ भी देखना है जिसमें कुछ नैतिकता की बातें होंगी, जिसमें कुछ व्याकरणिक तत्व इत्यादि होंगे। तो पाठ की शुरुआत बच्चों हम करते हैं आपके लिए, सताम संगति सत्संगति कथ्यते, अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति, यद्यपि पूर्वजन्मनः गुणदोषौ अपि मनुष्ये जन्मना आगच्छतः, तथापि न हि कोऽपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति, अपि तु मानवे संसर्गस्यापि विशेषरूपेण प्रभावः भवति। ठीक है, कठिन शब्द आपके लिए दिख रहा है सामने, मैंने दिया है सज्जनाः, सत धन जनाः। जब सज्जन को हम दो अलग अलग शब्दों के रूप में देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सत तम हलंत हो गया, और जनाः पूरा शब्द है, जनाः ने लोग यानी अच्छे लोग, सत यानी सच भी होता है, सच्चा भी होता है, सत्य भी होता है, तो अच्छे लोग व्यंजन संधि है, चूंकि उसमें आपका हलंत वहां पर लगा हुआ है। ठीक उसी क्रम में दुर्जनाः
दुग्धन जनाहा, क्योंकि ऊपर रेफ लगा हुआ है जप, वह विसर्ग के रूप में नीचे आ गया, इसलिए हो गया दुह धन जनाह, जनाने लोग, और दुह यानी बुरे, यानी जो बुरे लोग होते हैं। और संधि बिल्कुल बदल क्या हो गया, विसर्ग संधि। सज्जना जो है व्यंजन संधि है, तो दुर्जनाह जो है वो आपका क्या है, विसर्ग संधि है। और तथापि, यद्यपि शब्द भी आ सकता था, तथापि तथा धन अपि स्वर संधि है, क्योंकि तथा का आ और अपि का आ, यानी तथा का आ और अपि का आ दोनों मिलकर आ ही हुआ, तथापि हुआ स्वर संधि। तो तीनों संधि के उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हैं। इसी तरह से संधि को जाना जाता है कि जहाँ पर व्यंजन दिख रहा है, हल्का चिन्ह दिख रहा है वो व्यंजन संधि, जहाँ विसर्ग के शेष अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं वो विसर्ग संधि, जहाँ पर स्वर दिखाई पड़ रहा है वह स्वर संधि होता ही है। ये एक सामान्य बोध की बात आपको बता रही हूँ, जब आपको पहचानना है उस तरह की बात है। अब हम देखें कि सताम संगति सत्संगति कथ्यते। सताम यानि अच्छा सत्य, संगति यानि लोगों के साथ में होना, यानी अच्छे लोगों के साथ में संगति या संगति होना, कथ्यते कहा जाता है सत्संगति। फिर से ध्यान दीजिए, सताम संगति कथ्यते सत्संगति, या क्या कह सकते हैं आप, सताम संगति सत्संगति कथ्यते। आप ऊपर नीचे आगे पीछे, संस्कृत में खासियत होती है कि आप शब्दों को कहीं से भी घुमा करके उसके अर्थों को ले सकते हैं। तो अच्छे लोगों की संगति यानी सज्जनों की संगति, सुंदर आचरण व्यवहार करने वालों की के साथ में रहना ही सत्संगति कहलाता है, कथ्यते यानी उसे कहा जाता है। अस्मिन संसारे यथा सज्जनाः, अस्मिन ने अस्माकम, अस्मिन कहने तो क्या हो जाएगा, हमारे हमारा होता है, लेकिन यहाँ अस्मिन मतलब इस, यानी हमारे इस संसारे संसार में, सप्तमी रामे रामेश होता है ना, उस तरह से हमारे संसार में यथा यानी जितने ही या जैसे सज्जना यानी सज्जन पुरुष होते हैं, तथा यानी ठीक उतने ही या वैसे ही दुर्जना यानी दुष्ट लोग, अपि यानी भी संत यानी हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस संसार में जैसे सज्जन लोग होते हैं, यानी कुछ लोग सज्जन होते हैं, तो ठीक वैसे ही कुछ लोग दुर्जन भी होते हैं। अर्थात इस संसार में सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं या होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, आप देखेंगे प्रकृति का नियम क्या है, जिस दिन के बाद रात है तो रात के बाद दिन है, दुख है तो सुख है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती है। तो जहाँ दुर्जन होंगे तो सज्जन भी होंगे, जहाँ सज्जन होंगे तो कुछ दुर्जन भी होंगे। तो इस संसार में अगर कुछ लोग सज्जन हैं तो कुछ लोग दुर्जन भी हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग पाए जाएंगे। यद्यपि पूर्व जन्मनः, यद्यपि यद्यपि यानी फिर भी, यदि धनपि यदि यानी यदि, अपि यानी भी, फिर भी यदि पूर्व जन्मनः, पूर्व जन्मनः यानी पूर्व जन्म के गुण दोषौ, ये क्या है आपका द्वंद्व समास है, गुणः यानी गुणम च दोषौ च, तो गुण और दोष और आ गया है ना, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। तो गुण और दोष अपि भी मनुष्य मनुष्य के जन्मना जन्म के साथ आगच्छतः आ जाता है, ठीक है। यद्यपि पूर्व जन्मना गुण दोषौ अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः, यानी मनुष्य जब पैदा होता है यानी जन्म लेता है, तो उसके साथ साथ उसके पिछले जन्म के जो गुण है या जो दोष है वह भी उसके साथ साथ आ जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि इस संसार में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं, और इस संसार में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, यानी कोई भी प्राणी इस जगत में आ रहा है मनुष्य रूप में, तो उसके साथ साथ उसके पिछले यानी पूर्व जन्म में जो भी उसके कार्य प्रणालियाँ थी कहना चाहिए उसकी, वह भी उसके गुण दोष के रूप में आ जाता है। तथापि फिर भी, नहीं कोऽपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति, फिर भी नहीं यानी नहीं, कोऽपि कह धन अपि कोई भी, जनः व्यक्ति, जन्मतः जन्म से ही
दुर्जनो वा भवती, दुर्जन यानी दुर्जन दुष्ट, भवती होता है, यानी भले ही किसी इंसान के पूर्व जन्म के सुकृत या दुष्कृत यानी पुण्य और पाप उसके साथ साथ इस जन्म में आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति जन्म से ही दुष्ट या दुर्जन नहीं होता है। यानी जब कोई नवजात इस धरती पर आता है तो उसी समय वह दुष्ट नहीं होता है। बहुत गूढ़ बातें हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे पूर्व जन्म के सुकृत भी मेरे साथ आ सकते हैं, मेरा दुष्कृत भी मेरे साथ आएगा, लेकिन मैं पैदाइशी जो है वो दुष्ट या दुर्जन नहीं हो सकती। क्यों? अपितु क्योंकि यानी फिर भी मानव में संसर्गस्यापि यानी संसर्ग होने के कारण मानव के साथ में संसर्ग यानी मेल मिलाप, उठना बैठना, जुड़ना इत्यादि जो होता रहता है, इसलिए विशेष रूपेण प्रभावा भवति, विशेष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। क्या कहने हैं फिर से आप देख लीजिएगा कि चूंकि बच्चा इस धरती पर आता है, आने के बाद बहुत से लोगों के साथ उसका संपर्क होता है, उठता है बैठता है, तो उस संसर्ग में आने के कारण उसका प्रभाव जो है चरित्र पर निसंदेह पड़ता है। यानी पूर्व जन्म के दुष्कृत या सुकृत साथ में आने के बाद भी मनुष्य जन्म से दुष्ट नहीं होता, बल्कि संसार में आने के बाद ही उसके जीवन पर उसके सत्संग दिखा विशेष प्रभाव पड़ता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोत, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति च उपविशति खादते पिबति आलाप संलापौ चाकुरुते तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति। यदि सज्जनैः सह संगति भवति तर्हि नरः सज्जनः भवति, चेत दुर्जनैः सह संगति भवति तर्हि सः दुर्जनः भवति इति प्रकृति नियमः, अतएव नीतिकाराः कथयन्ति। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, प्रमुख शब्दों को पहले देख लीजिएगा, संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। ने क्या कह रहे हैं? संसर्गजाः मतलब मिलने या साथ होने से उत्पन्न, तिष्ठति स्था धातु है, इसका मतलब होता है ठहरना, ठीक है, स्था धातु के रूप में चलेगा, फिर तिष्ठ के रूप में चलेगा आगे, तो तिष्ठ धातु है, स्था मूल शब्द है, ठहर कर, ये लटलकार एक वचन अन्य पुरुष का शब्द है। आलाप संलापौ च, आप देख रहे होंगे आलापम च संलापम च, ये द्वंद्व समास का शब्द है, आलाप और संलाप करना, और शब्द आ गया तो द्वंद्व समास आएगा, मैंने पहले कहा, और तरही मतलब तो यानी अव्यय है। तो संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, इसको फिर मैं आगे ले जाकर के आपसे बात करती हूँ कि यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, जो कोई भी यादृशेन पुरुषेण जिस प्रकार के दृश्य ने दिखाई देना होता है, तो यादृशेन जिस प्रकार दिखाई पड़ता है या जिस प्रकार का जो पुरुषेन पुरुष के साथ में सहने साथ में संगति करोति, यानी कोई व्यक्ति जिस प्रकार के पुरुष के साथ में संगति करता है, जैसे पुरुष के साथ वो संगति करता है, व्यक्ति के साथ में, पुरुष का मतलब व्यक्ति से है, यादृशेन पुरुषेन सह तिष्ठति, और जिस प्रकार के पुरुषेन यानी पुरुष के साथ सह तिष्ठति, तिष्ठति मतलब ठहरता है, जिस प्रकार के पुरुष के साथ में वो ठहरता है, ठहरता है का मतलब रहता है, ठीक है, च उपवशति, और उसके साथ वो क्या करता है, उपविशति मतलब बैठता है, ठीक है, यानी किसी पुरुष के साथ कोई व्यक्ति जिस प्रकार के पुरुष के साथ में वो संगति करता है, जिस प्रकार के पुरुष के साथ में वो रुकता है, जिस प्रकार के पुरुष के साथ में वो बैठता है, उठता है, खादति खाता है, पीबति पीता है, आलाप संलाप चकुरते आलाप संलाप करता है, तस्य उसका तादृशः एव उसी प्रकार से ही स्वभावो भवति, स्वभाव हो जाता है। यानी कि हम जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहते हैं,
जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रुकते हैं, ठहरते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ में हम बातचीत करते हैं, जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ में जैसे जैसे हम खाते हैं, पीते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव होने लगता है या हो जाता है। यदि सज्जन ही संगति, यदि मैं सज्जन के साथ में संगति करूंगी, यानी कोई करता है, तर ही न रह सज्जन भवती, तो वह सज्जन हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहानी बता दी तोता के बारे में, है ना, कि वह आश्रम में गया तो वह सज्जनों की तरह व्यवहार करने लगा। तो यदि कोई व्यक्ति सज्जन के साथ व्यवहार करता है तो वह सज्जन बन जाता है। चेत दुर्जन ही संगति, और यदि कोई दुर्जन जैसा व्यवहार करता है, दुर्जनों के साथ रहता है, तो उसका व्यवहार दुर्जनों की भांति हो जाता है या वह स्वयं दुर्जन हो जाता है। इति प्रकृति नियमः, इस प्रकार यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम का मतलब यहां पर क्या समझ रहे हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त जो आचरण में स्वयमेव आ जाता है। कुछ चीजें ऐसे हैं बच्चों जो आप देखते हैं जिस पर आपका मेरा वश नहीं है। जैसे 4 महीने बारिश होना है तो बारिश होगी, आपको ग्रीष्म ऋतु मिलना है तो ऋतु होगी, ठीक है, आपको ठंड लगनी है, जिस मौसम में ठंड चाहिए तो ठंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है प्रकृति में, या सूरज सुबह निकलना है निकलेगा ही, चांद को आप रात में देख पाएंगे, तारों को आप रात में देख पाएंगे, तो ये होगा ही, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी वही ताकत ही सर्वब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, यदि कहो, और वही प्रकृति है तो ये गलत नहीं है। तो इति प्रकृति नियमः, एक ऐसा कोई नियम है जो प्रकृति प्रदत्त है, स्वयमेव हो जाता है, आचरण पूर्वक हो जाता है। जैसे मेरी पलकें झपकती हैं, आपकी पलकें झपकती हैं, आप झपकाते हैं क्या? नहीं झपकाते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, मुंह से कुछ और भी निकल जाता है। तो जिस प्रकार पलकें झपकाने के लिए आपको प्रयास नहीं करनी पड़ती है, वो ऐसे ही पलकें आपकी झपकती हैं। ये प्रकृति है कि अगर कुछ ऐसा होना है या 2 सेकंड 2 पल के बाद में आपकी पलकें झपकना चाहिए तो पलकें झपकेंगी ही। तो ये प्रकृति नियम है। तो यहाँ पर प्रकृति नियम का आशय आप समझ चुके होंगे। तो यदि कोई व्यक्ति दुर्जनों के साथ में रहता है, संगति करता है, तो वह दुर्जन हो जाता है, यह प्रकृति का नियम है। अतएव नीतिकाराः कथयन्ति, इसलिए नीतिकार कहते हैं, संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, इसलिए जो अच्छी बातें होती है, मतलब अच्छे लोगों के साथ में या जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे, उसी प्रकार से आपके अंदर में गुण और दोष उत्पन्न होंगे। मतलब जिस प्रकार के लोगों के साथ आपकी संगति होगी, आपके अंदर वही विशेषता उत्पन्न होगी, ठीक है। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति, सत्संगेन मनुष्यः विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति, दुर्जनानां सत्संगकरेण तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति, सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपानमस्ति। बहवः, बहुत से, आप देख रहे हैं ये बहुवचन, प्रादुर्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, मनुष्येषु अकारांत पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन है, सोपानम सीढ़ी, ये लगातार आप पढ़ रहे हैं, हर पाठ में पढ़ें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, यानी अभी महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि हर पाठ में आप पढ़ रहे हैं, लगातार आप वचनों को देख रहे हैं, लिंग को देख रहे हैं, आप कृदन देख रहे हैं, आप धातु रूप देख रहे हैं, आप संधि देख रहे हैं, समास देख रहे हैं, हर व्यक्ति जो है, हर शिक्षक जो है आपके साथ लगभग यही बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो कुछ अलग बातें हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति, यानी आप सत्संगति करते हैं तो क्या होता है, मनुष्येषु, मनुष्य में, मानव मात्र में बहवः गुणाः, बहुत सारे गुण जो है उद्भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। कैसे? सत्संगेन मनुष्यः विवेकवानः, यानी विवेकवान, माफ कीजिएगा, विवेकवान होता है। विवेकवान आप जानते हैं किसको बोलते हैं? विवेक का मतलब होता है किसी सही बात में सही और गलत को पहचान पाना, कि ये सच है और ये झूठ है, ये दोनों को तुलना करके समझ पाए, निर्णय कर सके, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विवेकी या विवेकवान। ठीक, हंस के लिए कहा जाता है ना कि दूध और पानी को अलग कर देता, उसके पास में ज्ञान है। श्रद्धावान, श्रद्धा किसी के अंदर जब हो, यानी किसी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी श्रद्धा, जिसमें पूजा की भावना भी है, जिसके लिए प्यार भी है, जिसके लिए बहुत सारे होते हैं। जैसे हम श्रवण कुमार को देखते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं,
श्रवण कुमार ने अपने पिताजी को और माताजी को कांवड़ पर लेकर के दोनों को बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े थे। ये कहानियां आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ये क्या था, माँ और पिता के लिए यानी माँ बाप के लिए जो श्रद्धा है उसके तहत उन्होंने उस बोझ को सह लिया और उन्हें तीर्थ के लिए लेकर गया। शीलवान, शील का मतलब आचरण से संबंधी जो पारिवारिक गुण जो चल करके आते हैं, कुलीन शालीन ऐसा कहते हैं ना, तो कुल से जो गुण आता है वो शीलवान है। जैसे हम कह सकते हैं इसमें राजा भरत को क्यों कहेंगे कि राजा भरत की माता कैकेयी ने भरत के लिए पूरे राजपाट को मांग लिया इनसे, राजा दशरथ से, ठीक है, अपने पुत्र के लिए। लेकिन भरत ने क्या किया, रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद भी उन्होंने उस गद्दी को देखा जरूर, संभाला जरूर, लेकिन गद्दी पर वो आसीन नहीं हुए। ये है शील, यानी आचरण में एक शालीनता जो होती है उसको कहते हैं शीलवान। परोपकारी, जो दूसरे के लिए, परधन उपकारी, जो दूसरे के लिए उपकार करे, कौन है जानते हो, महर्षि दधीचि का नाम। दधीचि ने क्या किया था तुम्हें पता है, पता ये होनी चाहिए बच्चों आप सभी को कि जब असुर देव असुर संग्राम जब हुआ था तो उस समय ये था कि हथियार बनाए जाने थे, अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जाना था, तो हमारे ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि ये जो हमारे राक्षस वगैरह हैं वो उसी से मरेंगे जब महर्षि जो है वो अपने हड्डियों का दान करे, उसे हथियार बनाया जाएगा और तब उससे आक्रमण किया जाएगा तो ये लोग मर पाएंगे। तो महर्षि दधीचि जी से आग्रह किया गया और उन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया और उनके शरीर से निकली हुई हड्डियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और भक्तिमान, भक्ति होना, भक्ति किसको कहते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, जो एकमात्र अपने प्रभु या अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। जैसे आप हनुमान जी को आप ले सकते हैं, ध्रुव जी को ले सकते हैं, ध्रुव कहते थे ना मुझे कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीरा को देख लीजिए, उन्होंने कहा ना राणा जी ने मतलब उनको जहर दिया और पीवत मीरा हाँसी रे, मतलब जहर भी पी गई लेकिन उसको असर नहीं हुआ। तो ये भक्ति है जिसके अंदर एक विश्वास होता है, ठीक है। तो इससे संगति के कारण विवेकवान बनता है आदमी, श्रद्धावान बनता है, शीलवान बनता है, परोपकारी बनता है, भक्तिमान बनता है। दुर्जनानाम संग करणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति, और दुष्टों के साथ यदि आप संगति करते हो तो आपके अंदर में दुर्गुण उत्पन्न होता है यानी गंदा आचरण होगा, ऐसे स्वभाव आएंगे जो आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। सत्यम एव मानव जीवने ससंग उन्नते सोपानम अस्ति, सत्य ही कहा गया है, सत्यम एव यह सच ही है कि मानव जीवने, मानव के जीवन में ससंग ससंगति है यानी सत्संग जो है उन्नते सोपानम अस्ति यानी आपकी उन्नति के लिए क्या है, सोपान है। सोपानम मैंने लिखा है सीढ़ी। तो सत्संगति जो है आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एव संगति कर्तव्या, शास्त्रस्य तु अयम निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः यथा, पुनः वही लाइन है देख लीजिएगा, दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थ आपके सामने दे दिया गया है, विद्यालंकृत मतलब विद्या से युक्त या शोभायमान, परिहर्तव्य मतलब होता है छोड़ देना, और असौ अदस का ये पुल्लिंग रूप है और एक वचन है। तो अतः सर्वदा सत्पुरुषा नाम एव संगति कर्तव्या, अब यहाँ निचोड़ पे आ रहा है, लिखने वाले ने या बताने वाले ने एक मैसेज कुल मिला करके दिया है, एक आपके लिए बताया है, उद्देश्य निर्मित किया है कि इस पाठ को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो कह रहे हैं अतः इसलिए सर्वदा हमेशा सत्पुरुषाणामेव यानी अच्छे लोगों के बीच में ही आप उठने बैठने चाहिए यानी संगति करना चाहिए, कर्तव्य करनी चाहिए, हमेशा सत्पुरुषों के साथ में ही संगति करनी चाहिए, रखनी चाहिए। शास्त्रस्य तु यानी शास्त्रों में भी अयम निर्देशः यही बताया गया है, क्या बताया गया है, अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। कितनी गूढ़ बात है बच्चों यहाँ पर कि शास्त्र भी यही निर्देशित करता है, बताता है कि अस्ति यत्, यत् यानी जो भी, अस्ति यानी है, कैसा, विद्यालंकृतः, विद्या से अलंकृत, कितना भी पढ़ा लिखा हो, है ना, लेकिन अगर वो दुर्जन है,
अपिन भी दुर्जना दुष्ट, तो उसे क्या कर दें, छोड़ दें। मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, पढ़ने लिखने का मतलब डिग्रीधारी होता है ना, मेरे पास एक प्रमाण पत्र होता है कि मैंने इतना पढ़ा है, बस ये वाली बात होती है। तो कोई व्यक्ति कितना ही डिग्रीधारी क्यों ना हो, कितना ही अपने प्रमाण पत्रों से वो विभूषित या अलंकृत क्यों ना हो, यदि वह दुर्जन है तो उसका साथ जो है परित्याग देना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यथा जैसे, फिर से उसी पंक्ति को लेते हुए बात कर रहे हैं कि दुर्जनः परिहर्तव्यः, श्लोक के रूप में, विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषितः सर्पा की मसौना भयंकरः। ये कुल मिला के दृष्टांत अलंकार है, और दृष्टांत अलंकार में संस्कृत में भी होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम कोई बात कहते हैं, चाहे शास्त्रों के माध्यम से हो चाहे ऐसे ही हो, तो उस बात को और पुष्ट करने के लिए जब हम उदाहरण देते हैं या तर्क देते हैं, तो वहां हो जाता है आपका दृष्टांत अलंकार। तो मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। पहले क्या कहा गया कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी यदि है, विद्या से अलंकृत है, और यदि वो दुर्जन है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, वो नीचे लाइन में है कि मणिना भूषितः सर्पः, यानी सर्प के सर्प के पास में क्या होता है, मणि। ठीक है, भूषितः अलंकृत होता है, सर्प जो है मणि से अलंकृत क्यों न होता है, किम असौ न भयंकर है, ने सर्प जो है मणि से भूषित होता है। मणि के लिए लोग पागल होते हैं ना, सांप की मणि पाने के लिए देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ किंवदंती हमारे यहाँ चलती हैं कि ये हो जाए तो लोग धनवान हो जाते हैं, तो लोग सर्प से मणि निकालते रहते हैं। तो सर्प मणि से विभूषित होता है, लेकिन किम यानी क्या, असौ यानी वह न भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं है, यानी क्या सांप के पास में मणि है तो हम उसे अपने गले में चिपका के घूमेंगे, क्या हम अपने घर में रखेंगे, क्या हम उसे पाल लेंगे, क्या उसके पास जहर नहीं होगा, मणि है तो भी उसके पास जहर है, क्योंकि सांप जाना ही जाता है, या सर्प जो है जाना ही जाता है किसके नाम से, जहर के नाम से। ठीक है, सर्प में जहर है लेकिन मणि है, तो चूंकि जहर है और मणि है, तो मणि पा लेने से आप, आपका मरना जीना एक अलग बात है, लेकिन उसके जहर से आप मरेंगे, यानी आप आपकी जीवन लीला, ई लीला समाप्त हो सकती है इस दुनिया की, इसलिए सांप हमारे लिए भयंकर है। तो सर्प के पास में मणि भले ही रहे, क्यों न रहे, लेकिन फिर भी वो भयंकर ही माना जाता है, क्योंकि उसके पास में जहर होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, आप ऊपर नीचे करिएगा अर्थ को तो आपकी पुष्टि हो गई बातों की, इसीलिए कोई भी व्यक्ति विद्या से अलंकृत क्यों न रहे, उसे छोड़ना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, उसका त्याग कर देना ही अधिक उचित होगा। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः, सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम्। अब फिर से एक बात कह रहे हैं कि यद्यपि वर्तमान युगे, यद्यपि वर्तमान में, गए तीन लाइन में जो अर्थ दिए हुए, विज्ञा मतलब जानकर यहां पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यद्यपि यानी फिर भी वर्तमान युगे, इस युग में सज्जना नाम अभाव, यानी सज्जन व्यक्तियों की कमी है, अभाव यानी कमी, प्रायेण यानी प्रायः, दृष्टिगोचर दृष्टि में गोचर, गोचर ने दिखाई पड़ना, दृष्टि यानी नजर में, यानी कहीं पर वो नजर नहीं आते, नहीं सज्जन जो है बहुत कम नजर आते हैं, ये कहना चाह रहे हैं पॉजिटिव में, भवति होता है। तथापि यानी उन्होंने क्या कहा पहले कि आपको सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में आपको चलना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए, ये उन्होंने कह दिया, एक तरह से उपदेश आपको दे दिया, लेकिन अपनी बात को फिर से यहां पर जिन्होंने इस पाठ को सृजित किया है, जिन्होंने इस बात को लिखा है, वो बता रहे हैं कि फिर भी इस वर्तमान युग में सज्जनों का अभाव जो है वो प्रायः दृष्टिगोचर होता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि 100 लोगों को देखेंगे तो हो सकता है कि 100 में एक भी आपको सज्जन ना मिले, हो सकता है सारे दुर्जन मिले जिनके अंदर दुर्गुण हैं, या हो सकता है कि 100 के साथ आपको सज्जन भी मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे, अधिकांश नहीं माफ कीजिएगा, अधिकतर व्यक्ति जो है
आप देखेंगे कि वे दुर्गुण के घेरे में ज्यादा होते हैं। तथापि फिर भी ससंगस्य महत्वम विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन ससंगः एव करणीयम्। तथापि फिर भी ससंगस्य यानी ससंगति के महत्व यानी महत्व को विज्ञा यानी जानकर आत्मनः यानी आत्मा से कल्याणाय यानी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए च प्रयत्नेन यानी प्रयत्न करने के लिए ससंगः एव करणीयम्, ससंगति करनी चाहिए। यानी कह रहे हैं कि भले ही संसार में सज्जनों का अभाव है, लगभग कम दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपनी उन्नति के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए या आत्मा की उन्नति के प्रयास के फलस्वरूप आपको सत्संगति करनी चाहिए। सत्यमेव सत्संग संगति विषय उत्तम, सच ही कहा गया है। किसके बारे में? सत्संगति विषय, सत्संगति के विषय में उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? जाड्यम धियो हरति सिंचति, बिंदी वहां रह गए हैं, वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। पूरा निचोड़ इस पाठ की। जाड्यम धियो, जाड्यम मूर्खता को दिख रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण शब्द दिक्षु, दिशाओं में, दिशति देती है, तनोति फैलाती है, अपाकरोति दूर करती है, पुंसाम मनुष्यों का, ठीक है। तो जाड्यम यानी मूर्खता को, धियो धियः बुद्धि, हरति हरती है, यानी बुद्धि जो है, धियो जाढ़्यम हरति, ऐसा पकड़िए कि बुद्धि क्या करती है? मूर्खता को हरती यानी दूर करती है। सिंचति वाची सत्यम मानोन्नति मनोन्नति दिशति पापम अपाकरोति, और पापम अपाकरोति, बुद्धि और क्या करती है? पापम यानी पाप को अपाकरोति दूर करती है। बुद्धि मूर्खता को दूर करती है और क्या करती है? पापों को दूर करती है। और वाची सत्यम यानी वाणी में सत्यता को क्या करती है? वहां पर ये हम कह सकते हैं कि सकारात्मक भाव जो है लेकर के आती है, वहां रोकती है कि भी इंसान जो है सच्चाई पर चले, ये इस प्रकार से वो कार्य करती है संगति जो है और बुद्धि होने के कारण। तो उन्नति दिशति, और उन्नति को दिशति दिशाओं में फैलाती है, ठीक है। दिशति ने देती है, दिक्षु दिशाओं में, उन्नति को फैलाती है दिशाओं में। फिर से एक बार कि बुद्धि जो है मूर्खता को दूर करती है यानी हरण करती है, और पाप को क्या करती है? दूर करती है, हरण करती है, वाणी में सत्य का प्रवेश कराती है, और अपनी उन्नति या यश को फैलाती भी है। चेतः प्रसाद यति दिक्षु तनोति कीर्तिम, प्रसाद यति, प्रसाद मतलब भी फैलाना भी होता है, प्रसन्न करना भी होता है, तो यहाँ पर प्रसन्न करना हो रहा है प्रसाद यति से। दिक्षु दिशाओं में, तनोति कीर्तिम, कीर्ति को दिक्षु दिशाओं में प्रसाद यति यानी प्रसन्न होकर के आपकी कीर्ति को, आपके यश को फैलाती है। सत्संगति है कथय किम न करोति पुंसाम, इस प्रकार से सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती या मनुष्यों में क्या नहीं करती, दो अर्थ भी आप ले सकते हैं, लेकिन वाक्य संदर्भ में जाएगा। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, पुंसाम यानी व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए, किम न करोति क्या नहीं करती, कथा यानी कहो, उदाहरण देकर क्या बता रहे हैं कि सत्संगति हो मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। ऊपर लाइन बता दिए, नीचे लाइन बता दिए कि आपके अंधकार को दूर करती है, आपके ने हरती है, आपके पाप को दूर करती है, आपके वाणी में सत्यता को लेकर के आती है, दिशाओं में आपके सत्यता का बोध कराती है, आपके यश को दिशाओं में फैलाती है। इस प्रकार से सत्संगति जो है मनुष्य मात्र के लिए, मानव के लिए क्या कुछ नहीं करती है। पाठ एक तरह से देखा जाए तो उस सार के बाद या उस गूढ़ या तथ्यात्मक बातों के बाद पाठ का समापन होता है बच्चों, लेकिन इस छोटी सी कहानी में जो मैंने शुरू में आपके सामने चर्चा कर लिया है,
उसी को यहाँ पर थोड़ा सा बताया जा रहा है एक सार रूप में कि सत्संगति क्या क्या कर सकती है, ये बताने के बाद अब कह रहे हैं, फिर से वही पुख्ता करने के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि एका कथा प्रचलिता एकस्मिन नीडे द्वौ शुकौ न्यवस्ताम, दैववशात एक शुक संताश्रमे औसत द्वितीय चौरस्य गृहे न्यवसत। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथम शुक सत्यम वदति स्म परम द्वितीय चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म अतः सताम संगतिय श्रेयस्करः भवतीति भवतीति भवति इति। एकस्मिन् नीडे एक घोसले में, वदति स्म बोलता था, न्यवस्ताम निवास करते थे, श्रेयस्करः श्रेष्ठ होती है अवसत रहता था। कहानी बता चुकी हूँ, आप याद कर लीजिएगा कि एका कथा प्रचलिता, एक कथा प्रचलित है इस संदर्भ में, प्रचलित है मतलब कहा जाता है, सुना जाता है, बताया जाता है। क्या एकस्मिन नीडे द्वौ शुकौ न्यवस्ताम, एकस्मिन यानि एक, एक किसी, नीडे घोंसले में, द्वौ शुकौ यानि डाली पर जो घोंसला बनता है ना, कौन बनाते हैं, बया पक्षी जिसको दर्जिन कहते हैं, तो घोंसला जो बनता है उसमें द्वौ शुकौ दो शुक न्यवस्ताम, शुकौ है तो शुक है, तो शुक कहने से तोता हो गया, यहाँ पर चिड़िया भी हो सकते हैं, ठीक है, तो तोते भी है, तो आप केवल डाली भले कह सकते हैं, लेकिन चिड़िया अगर कहें तो आप घोंसला भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पुस्तक में आपका उधन से भी उदाहरण दिया जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों अर्थ यहाँ पर रख दिए कि एक किसी डाली पर या एक किसी घोंसले पर दो शुक रहते थे यानी तोता निवास करते थे, दैववशात दैव की कृपा से यानी ईश्वर कृपा से एक शुक एक तोता संताश्रम औसत यानी संतों के आश्रम में रहने लगा, द्वितीय है दूसरा चौरस्य गृह न्यवसत यानी दूसरा जो है चोर के घर में रहने लगा, चोरों के साथ में रहने लगा, संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म, संत के आश्रम में संतस्य संतों के साथ में रहते हुए सद्विचारेण संतों के सद्विचार से प्रभावितो प्रभावित भूत्वा होकर भूधातु त्वा प्रत्यय प्रथमा शुका पहला तोता सत्यम वदत स्म सत्य बोलता था यानी संत के आश्रम में संतों के सद्विचार से प्रभावित होकर पहला तोता सत्य वाणी का प्रयोग करता था, परम परंतु द्वितीय दूसरा तोता जो था वो चौरस्य आचरण आचरण प्रभावेन मिथ्या वदत स्म, परंतु दूसरा जो है वो चोरों के आचरण से प्रभावित था इसलिए मिथ्या वदत स्म झूठ बोलता था यानी मिथ्या बोलता था, अतः इसलिए सताम संगति श्रेयस्करा भवति भवति इति, अतः अच्छे लोगों की संगति ही श्रेयस्करा, श्रेयस्कर मतलब ज़्यादा अच्छी यानी श्रेष्ठ, ज़्यादा अच्छी श्रेष्ठ भवति भवति इति, ठीक है, तो भवति इति यानी होगा, होता है, होनी चाहिए, अतः सताम संगति इसलिए अच्छे लोगों की संगति ही अधिक श्रेष्ठ होती है, ठीक है बच्चों। तो पाठ आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से उदाहरण से, उदाहरण के माध्यम से, शास्त्रों के उदाहरण दे करके अपनी बात को यहाँ पर लेखक ने, सृजनकर्ता ने बताया, दूसरी कहानी के माध्यम से संगति का असर किस प्रकार से होता है, इंसान में मॉरल किस प्रकार से विकसित होता है, इन सभी बातों को रखा गया है और मैंने पूरी तरह से उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है, आप सभी ने सुना है, मुझे विश्वास है कि आपने पाठ को बखूबी समझ लिया है, लेकिन समझ में तब आएगा जब हम कुछ बातें प्रश्न रूपेण आपके सामने हम रखें। अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्योंकि आप लोग इस तरह हम सीधे आपसे बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए उत्तर भी आपके सामने हमने रख दिया है कि सताम संगति खाली स्थान कथ्यते, तो यहाँ पर दिख रहा है सताम संगति, वो डबल आगे शब्द जो है वो सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सत्संगेन मनुष्येषु खाली स्थान आयन्ति, बिल्कुल सही है, आप जान रहे हैं बहवः गुणाः यह शब्द आ जाएगा, मानव जीवने सत्संगः अस्ति
उन्नते सोपानम, मैंने मानव के जीवन में सत्संगति क्या है, उन्नति की सीढ़ी है। ठीक है, हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो उन्नति करते हैं। विद्या अलंकृता अपि कालिसान परिहर्तव्या, यानी विद्या से अलंकृत कोई यदि होता भी है तो कौन ऐसा है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए, तो किनको? दुर्जना। बहुत सही, दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। सताम संगति खालिस्थान भवति, अब भी अभी आपने इसको सुना है, पढ़ा है, श्रेयस करा ने। सताम संगति, सज्जन लोगों की संगति जो है बहुत ही श्रेष्ठ होती है। ये था प्रश्न। और भी हम देख लें कि मानवे कस्य प्रभावः भवति, मानव के जीवन में किसका प्रभाव होता है, कि मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा के दरम्यान या कहीं पर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द वहां से हटता है और दूसरा शब्द वहां पर जाकर के जुड़ जाता है। आप देख रहे होंगे, मानवे की जगह में मानव ही है और कस्य की जगह में हो गया है संसर्गस्यापि। ठीक है, अगर इतना भी लिख देते तो भी काम चल सकता था, लेकिन वाक्य पूरा गया है विशेष रूपेण, फिर प्रभावा भवति, तो प्रभाव आपका प्रभाव है, भवति के भवति है। एक शब्द हटाओ, दूसरे शब्द वहां पर डालो, आपका उत्तर तैयार हो जाता है। ठीक है, सत्संगेन मनुष्य की दिशा भवति, सत्संगेन मनुष्य सज्जना भवति, आप जानते हैं। उन्नत्या सोपानम किम अस्ति, मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपानम अस्ति। ठीक है, सताम संगति है कीदृशी भवति, आप बता सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको उत्तर आ रहा है, लेकिन मेरे पास उस तरह से समय नहीं है और सुविधा नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूँ। तो सताम संगति श्रेयस्करा भवती थी, मैं ही उत्तर आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न दिया गया है जिसे आपको हल करना होता है। तो आप इसे देख कर घबराया नहीं करिए। जैसे फिर से मैं बता दूँ, सताम संगति कीदृशा, कीदृशा शब्द हट गया है और वहाँ पर श्रेयस्करा शब्द वहाँ जुड़ गया है। ठीक है, मानव जीव ने सत्संग उन्नति सोपानम अस्ति में प्रश्न क्या बना था, उन्नत्या सोपानम किम अस्ति, यानी उन्नति के लिए सोपान क्या है, तो आपने बता दिया कि सत्संग जो है सोपान है। तो शब्द आपने हटाया, शब्द वहां पर जोड़ा है, प्रश्नों को उत्तर बनाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ काम आप घर पे भी कर ले जा करके, और घर में काम जब आप करें तो अपने शिक्षक को दिखाइएगा जो भी हैं, या घर में अगर कोई जानने वाले हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि सत्संगति पर संस्कृत में 5 वाक्य आप बनाएंगे यानी लिखेंगे। चाहे आप उसे बोल सकते हैं, चाहे आप उसे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद ये नहीं कि आपको पाठ में से आप 5 लाइन उठा लिए कि सताम संगति सत्संगति कथ्यते, ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा स्मार्ट नहीं होंगे ना, ध्यान रखना, यानी आपको स्मार्ट होना है लेकिन इस तरह का स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अपने से बनाइए कि ऐसा हिंदी में 5 वाक्य पहले लिख लीजिए, छोटे छोटे वाक्य आप बना लीजिएगा, और छोटे छोटे वाक्यों को बना लेने के बाद आप संस्कृत में शब्दों को ढूंढिए, आपके पाठ में दिए गए हैं उन शब्दों को वहां पर बिठाने का आप प्रयास करिए। ठीक है, तो 5 वाक्य ही केवल बनाइए साथियों, बच्चों जो भी हैं, अगर मेरे शिक्षक बंधु हैं तो उन्हें प्रयास करना है, मेरे बच्चे तो घर जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, आपको संस्कृत से ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कह देते हैं कि संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत करिए, तो बहुत से लोगों के हाथ पर फूलने लगते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह जो है आज का कालखंड आपके साथ मेरा जो था वो यहीं पर समाप्त होता है, और मैं नमस्कार कर लूँ इनको। तो बच्चों, आप सभी को शुभकामना के साथ साथ मैं नमन करती हूँ, क्योंकि आप मेरे भावी पीढ़ी हैं, कल के समाज के कर्ता धर्ता हैं, आपके कंधे पर हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो टिका रहेगा। इसलिए आप में सत्संगति के लक्षण और गुण जो है आप फलीभूत हों आए, बस यही मेरी शुभकामना आप सभी के लिए।